तुसा अपने घर जो बैठे हो वो धियां दा ना नहीं बेचेंदे? क्यों चाहते हैं? तो साढ़े वास्ते उन्होंने कितना मकाम है? बोलो, तू अपने वेड़े तेरे 100 रिश्तेदार तेरे वेड़े चाहे बैठे, तू धी का ना चाहते? क्यों चाहते? उतना उन्होंने वास्ते काबिल एहतराम है? बोलो, तो क्या वो सारे वास्ते काबिल एहतराम नहीं? लेकिन बीबियों का ना अदब हया नाल चाहना चाहिए। सही अदब नाल ना तो बंदा कहे आम बंद। मेरे मौला पे फरमेंदे ने, अगर तू चाहते जो मेरी जमाने ते इज्जत होवे तो मेरे मौला फरमेंदे वो दू गाली ते अमल कर। जै महफिल च बैठा होवे ना, जेड़ा ही बंदा आवे होंदा उठी के सलाम कर, ते दूजी गल मौला फरमाउंदा ना सीधा जाया कर। सुनते पे हो या कोई ना? हाँ, बहरहाल क्योंकि दू चार दफा मैं ना आना चाहवा तो समझ ही ना आवे। इस वास्ते मैं मजबूरी आई, मैं गुजारिश की थी। माँ का ना रमला खातून, बीबी का ना बीबी फरवा खातून, ये इमाम हसन की बेटी। बीबी कुनियत होती है औलाद की वजह तो। बोलो, ये बेटी झोली चाहिए बीबी फरवा खातून ते कुनियत बन गई उम्मे फरवा, वरना बीबी का ना उम्मे फरवा नहीं, बीबी का ना रमला खातून है। कुछ सुनते पे हो जो कोई ना? कुछ अरसे बाद अल्लाह बेटी को संभाल के था, बस थोड़े जहन गल आ गई, दुनिया तो टुट गई। बीबी वेड़े परेशान बैठी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का गुजर है, वेंदी जाते दिलां दे राज जानने वाले चेहरे तो रिठा। फरमाए परेशान है जी सखी, अल्लाह धी अता की थी, बस संभाल की थी, हूँ परेशान है जो झोली खाली। अली दे बेटे को जलाल है, बीबी के चेहरे तो देख के आ दिन मेरे देख, मैं अली का पुत्र हाँ, तेको हूने बेटा अता न करा तो मैं इमाम क्यों हाँ? जेडे सोचेंदे उन्होंने तो माफी। चलो मैं एक दलील देना चाहता, अहल सुनत जमात के भाई भी तशरीफ फरमाए, एक दलील देना चाहता जो हर बंदा मुतमइन। तवज्जो भाई, देखने वाली तकलीफ करें भाई, सूरह अंबिया पढ़ के दिखाए। तवज्जो भाई, सूरत अंबिया उनकी आखिरी आयतें पढ़ के दिखाए। घर बन के कुरान हर कहते घर पैन, सूरह अंबिया की आखिरी आयतें पढ़ के दिखाए। उन्होंने विच एक जिब्राइल आया, बीबी मरियम को दूर खड़ के उस फूका दिता, फूक मारी। तर्जमा इवें न होवे तो मैं मुजरम। जिब्राइल ने फूक मारी, इवें फूका दिता, तो बीबी आख्या ये क्या? जिब्राइल आख्या अल्लाह तो पुत्र दे सी, नबी हो सी, साहिब किताब हो सी, जेड़ा नेंद्रे हो नेंद्र करे, जेड़े जागते बैठे हो, जिब्राइल दे फूके नाल नबी आ सकता है? बतूल दे पुत्र दे हाथ च ताकत ही कोनी? बहुत जी हो गई जी, भी सुन ली जी, भी सुन ली जी, भी सुन ली। और जिब्राइल नौकर है सही, मेरे मौला सरदार है, नौकर दी इतनी ताकत है जो फूका दीते तर आखस नबी पी आते, रूहुल अमीन द लक्का भी कोई थाई मिला है। कोई सुन दे पे हो या कोई ना? जी हाँ, हुणे पुत्र अता न करा तो मैं इमाम क्यों हाँ? किताब लिख दे सरकार ने पेशानी तो हाथ फेरा, पेशानी तो हाथ फेरा, थोड़ी देर बाद मालिक ने बेटा अता किया। सब तो पहले खाली झोली आली चाया। इतने मैं एक लफ्ज़ आता ना, रोवन वास्ते कोई कानून ही नहीं होता, कहीं चाहे बे औलाद से अली दी खाली झोली अली धी जे कुछ दें। बीबी चाहे इतने मैं आता रहा जैसे नौ महीनों को चावन का शौक तो होगा, जैसे कोई नहीं ये लफ्ज़ का सदका मालिक उन्होंने कोई आती अल बच रही, जिन्होंने हिन मालिक बख्श देवे, शाल कदें औलाद दे दुख न देखो। बीबी चाह के भेरा दे कोल के नहीं, इमाम हसन हाँ ना लाया, इस बच्चे का ना रखा शाहजादा अमीर कासिम। मैं सदके माँ ने परवरिश शुरू की थी, जय बंदे देनी कहा मेरे पास, माँ परवरिश शुरू की थी, उम्र है 3.5 साल,
जिस बंदे दी निगाह मेरे पास है। मेरे मौला अली दा दुश्मन है ना, किताब लिखे इब्ने अल कवा, उस दुश्मन दा नाम इब्ने अल कवा। इमाम हसन दी सरकार अमीर कासिम दी उम्र 3.5 साल। इब्ने अल कवा में गुजरदा पे शहजादा बाग खड़ाई तेसी में डिठा ते वत वल पिया। इमाम सरकार अमीर कासिम दो देख क्या दे, तेरा बाबा तेरा चाचा तेरा दादा बड़िया गल्ला करें देन, असा हर जाते मौजूद हैं, असा हर शे को जानते हैं, एक बंदा हर जाते किवें मौजूद हो सकता है। हाय जेले ताले लग वन ना उले अकल कम नहीं करें दा, समझ नहीं आती जमाने दी, भावे सुन्नी है शिया है बरेलवी अहल हदीस है भावे कोई भी है, हर कोई इजराइल को लखा जाइते मनेंदा है, अली को एक जात नहीं मनेंदा, शक करें दा। तो जो है सही कहीं आज दिन तक इजराइल ते शक कीता है? उसे टाइम बंदा मरदा पे इस्लामाबाद उसे ले करोड़ 21 ते आंदे है, उस वेले ईरान उस वेले इराक उस हूँ तो दुनिया क्लोज थी गई, तो चेक करके देख एक टाइम च बंदे हर मुल्क मरते पे तेरू वो गिंदा है, पर इनकार चक्रो पे नहीं गिंदा। चाहे बंदे दी निगाह मेरे पास मैं कुछ दसा इसराइल को हर जाते मने 14 ते शक करें दे। और इसराइल भी नौकरे सारे फरिश्ते नौकरे, तवज्जो है लंबा नहीं थी मुझे तशरी देवी। जिस बंदे दी निगाह मेरे पास है इब्ने अल कवा बड़िया गल्ला करें दे, तेरा बाबा तेरा चाचा तेरा दादा शहजादा कासिम उम्र 3.5 साल। इब्ने अल कवा तो देख कहते मैं तो देख मेरा दादा चाचा बाबा तो दूर दी गल ते को ये पता को नहीं जो मैं कौन हूँ। सारे अहल सुन्नत जमात दे भाई जड़े हैं वो शहजादे अमीर कासिम सरिंद इमाम कासिम इवें है ना सही। फिर मैं तू मैं को नहीं जानता तू क्या है, शहजादा फरमाते हैं मैं ते को हूं दसा सकता तेरी बीवी कित है, उस गल को छोड़ इतनी जहीं थे एक बंदा किवें मौजूद हो सकता है। शहजादा फरमाते मेरे डाडे के बारे गल ना करें, अपने सजे पास देख या तो मैं सजे पास डिठा है जे तकदीद पई शहजादे कासिम नजर है, पर मैं खबे पास देख जे तक निगाह पई शहजादे कासिम ढे पिया उथ शहजादा पैर दी ठोकर मार के दे तू तो मैं कोई नहीं सुजान सकता मेरे डाडे दे बारे सोचेंदा बंदे। किताब लिख दे अपने बाग जेड़ा दूजा जुमला पढ़ता पिया उम्र है 4.5 साल। मोमना दे टोला गुजरे वेंदी जाते खड़ गए एक बे तो देख कदन शहजादा तशरीफ फरमाए कुछ पूछ गिनो वापस उम्र 4.5 साल। मैं कुमौला की कसम एक कहना थी जेड़ा बंदा मुनफरीद होवे औखा होंदा है, कोई नहीं सुनी तो मेरी गल कहना थी जेड़ा मुनफरीद हो सी वो औखा हो सी, दुनिया ते जेड़ा चंगा हो सी वो परेशान हो सी। ब्लैकमेल लोग तो 90% मिल सकते ब्लैकमेलर जेड़े वधे होंदे टेंशन देवन वाले 95% 5% बंदे 5% बंदे हो सन जेडे कहें तो सुख चाहते हो सन। जेड़ा बंदा सच्चा है वो तो परेशान है हर वेले ते को अजा समझ नहीं आई ऐसे चो आ वे रिश्वत न गिने अक्सर नहीं को भजो वड़ा नेक आ वड़े जी कोई डॉक्टर चंगा वड़े जी सारे डॉक्टर अक्सर सारिया तो दुकाना बंद करन दी को भजो इतू कोई मरो शुक्रिया अदा करो भाई चंगा तो आ वड़े तो कोई इलाज भी थी दे, कोई बंदे ठीक पर थींदे ना देख भजाओ कुछ सुनते पे या नहीं। चंगे बंदे दी कदर नहीं करें दे लोग घट करें दे कुछ सुनते पे या नहीं ते को जा नहीं आई समझ तो 14 ही चीज का शिकार रहे क्योंकि 14 जी हाँ कोई कोई ना कहीं तरीके नाल ही उन्होंने मुकाबला नहीं कर सकते पिछे खाने बामारो ना इलम कर सकते हैं ना हिलम कर सकते हैं ना सबर कर सकते हैं कहीं मामले चाहे तो कुछ सुनते पे हो या कोई ना जे इन जी हाँ जो कोई कोई हूँ तुसा देखो सही भाई उम्र 4.5 साल सैदा दे वेड़े दा 4.5 साल का बच्चा लोगों को हर गल का जवाब खड़ा देंदे
परेशान तो थींदे आहिनि भई असां कुझु पुछ कयो शहज़ादे उनखे असां से पुछण आहे शहज़ादे ने उहे ॾाॾे अली आले जुमिले खे फरमाए पुछो जीअं मौला फरमाए ज़मीन कोल आसमान दे राह में अली बहितर ॼाणंदा शहज़ादा अमीर कासे पिया त पुछो उहो पुछंदे रहे ॾिसंदे रहे ढेर सारी देरि दे बाद आखणु लॻे सखी इजाज़त फरमाए क्यूं जी बुख लॻी आहे खाण खाने हैं शहर वेंदे हैं शहज़ादा फरमाईंदे भई सिर्फ़ु थोक बुख नहीं मैं ॼाणंदा तूं सां प्यास ई वे ते साॾे दर तूं बुख हथ सां कॾहिं कोई टुरा नहीं उनखे साईं उहो त बिल्कुलु साचे तूं सां खाण त खवेसो वत हुण घर वेसो वत घिनासो वत तकलीफ़ थीसी साईं तूं सां महिरबानी करो बा उमिरि 4.5 साल हुण घर वेसो वत घिनासो वत खवेसो तकलीफ़ त थीसी शहज़ादा कासिम हिन ते पासे ॾे कंदे मेॾो ॾेखो जे इथां ई न खवां मां कासिम क्यों आं महिरबानी मां कासिम क्यों इथां ई खवेसां तूं सां खावण हले बणो दायरे की शक्ल च बह गए सही शहजादे दे होठ मुतहरिक थे किताब लिखते तश्त भरीज के आवन लग गए पुत ही कोई नहीं जो चई कौन वधे सामने रखते गए इवें दायरे की शक्ल च बह गए तश्त सामने नाल बेहतरीन शरबत एक एक जाम वह भी जिस बंदे दी निगाह मेरे पास है खाना खाते बैठन नाल शरबत ही पींदे बैठन अपने नसीब ते हसते बैठन मैं दरांदा 14 दे मन नाले तुसी नसीब अपने नसीब ते खिले करो खुश थे करो अपने नसीब ते खुश थे करो वो लुक में खांदे ने शरबत पींदे ने ते वत मुस्करा के एक बाय तो देख के बैठ जदन जी में साडे ही नहीं में कहंदे ही ना जी नहीं जी मेहरबानी से तवज्जो है ना बाबा सही खाना जब खाते बैठे शहज़ादा कासिम फरमाते मैं सिर्फ खाना नहीं दिता है अपने एक एक लफ्ज़ का ज़मीन हम तो कहें कोई सोचे ना बैठा हो मैं अपने एक एक लफ्ज़ का ज़मीन फिर मैं सिर्फ खाना नहीं खवाया सिर्फ शरबत नहीं पिलाया मैं तो थोड़ी जरूरतों को जानता हर कहें दी जेब में 10-10 हज़ार दिनार पा छोड़े चेक करो ॾह हज़ार दिनार दिनार होंदे सोने दा कि भला जाफर ज़मान लिखे दिनार सोने दा ते हिक दिनार हिक तोले दा होंदे 10,000 तोला मैं थोड़े जेब पा छोड़े चेक करो बोलो शहज़ादा कासिम इमाम नहीं इमाम साढ़े 12 मासूम साढ़े 14 ये इमाम दा पुत्र है बोलो इमाम दा भतरीजा है इमाम दा पुत्र है इमाम नहीं ते आखे भी मैं पा छोड़े 10,000 तोले को कट्ठा करो कितना वजन नहीं बनसी ते जेब पाते तो उनको पता ही कोने भी पाता या नहीं फिर मैं चेक करो थोड़ी जेब में 10-10 हज़ार दिनार पा छोड़े जे कुआ ते समाज ठीक है तो मैं को जवाब दे जेंदे बेटे दा बेटा इतनी सोनी तकसीम करें दे जो घिनण वाला कोई पता ही कोनी जो कुन्नू हैं उंदे दादे ते शक करण वाला कोई चंगा होंदा है बहरल मर्जी हर कहती जै को मंगे कोई सख्ती नहीं भी साढ़ा को मंग जैको मने जै को मंगने तेरे मूड की गाल बोलो फकीर की मर्जी जड़े दर ते खड़ थी वे लेकिन मंग ना को जै को एक बारी मंग वत भैया कहें को मंगना ना पवे जय बिस्मिल्लाह तो जो है सही इंतजार खत्म इतना ही मैं एक लफ्ज़ आदर आना मैं आदर आना बड़ा इस टाइम वास्ते आता पे तेरे बच्चों को समझ आवन मैं आदर आना अकल दा अंधा ऊ घर नाल मुकाबला न कीता कर जै घर च 6 माह दई बाबुल हवै जोवे